press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, तो आज हम लोग मौजूद है यहाँ पे तारा फ्रॉम सितारा के सेट्स पे, जहाँ पे वी आर टॉकिंग टू द कंटेस्टेंट्स ऑफ डांसर नंबर वन. एंड राइट नाउ आई हैव नन अदर देन द वेरी चबी, द वेरी बबली, नन अदर देन मिस दिव्या. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट, यू नो, यू पीपल आर गोइंग टू बी परफॉर्मिंग बॉलीवुड थीम डांस. बॉलीवुड इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू एवरीवन्स हार्ट, यू नो. सो टेल अस अ बिट अबाउट योर फेवरेट मेमोरी फ्रॉम बॉलीवुड एंड कमिंग फ्रॉम दैट द पर्टिकुलर थीम एंड डांस दैट यू आर गोइंग टू बी परफॉर्मिंग. बॉलीवुड की मेमोरी तो एक्चुअली बहुत सारी है, बहुत सारी. जैसे गोविंदा जी का डांस, पू के नखरे, माधुरी जी के एक्सप्रेशंस, शाहरुख खान की एक्टिंग. जैसे परदेश का एक सीन है जो मेरा फेवरेट है, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए सर, बहुत बड़ा. सो मैं बचपन से ही इन सब चीजों को मिमिक करते आ रही हूँ. पू के नखरे जो जैसी पू थी, वो भी थोड़ा दिखा दीजिए. वो कौन है जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? ये तो सारी बॉलीवुड की मेमोरीज रही है. और आज मैं परफॉर्म करने वाली हूँ, गाना बता दूँ? जरूर, प्लीज. ठीक, तो श्रीदेवी जी का नंबर है, नैनो में सपना, वेरी पॉपुलर नंबर. सो उस पे परफॉर्म करने वाली हूँ और फुल नागिन वाला कॉस्ट्यूम मैंने पहना हुआ है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं बस वेट कर रही हूँ, फटाफट स्टेज पे चले जाऊँ और किल कर लूकिंग लवली. एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट्स गोना ट्रांसलेट इन द परफॉर्मेंस एज़ वेल. थैंक यू सो मच. सो यू नो, यू हैव मेड इट टू द टॉप 10. इट्स लाइक अ लॉन्ग जर्नी कंपेयर्ड टू व्हेन वी मेट द लास्ट टाइम, एंड राइट नाउ मेड इट टू द टॉप 10. यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर डूइंग वंडरफुल, पीपल आर अप्रिशिएटिंग. Now you're coming to this interesting stage where you're going to be doing about, you know, Bollywood theme dance. So isko leke people take it easily. So what is, I would like to ask and, you know, start the conversation with ki, what is your favorite memory from Bollywood? And also, what is the song that you have picked up for your Bollywood theme dance? So my favorite memory from Bollywood, because, you know, bachpan se movies dekhne ka bahut shauk tha. But purani movies dekhne ka zyada shauk tha. Achha. Because, you know, 70s, 80s, और सो जो मैं अभी मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, विच इज 50s है. अच्छा, काफी पहले. काफी पहले, इट्स लाइक काफी पहले, बहुत ज्यादा पुराना, बहुत पुराना. सो मुझे बहुत पुराना 50s आ रहा है. मैंने वहां से एक सॉन्ग पिक किया, बिकॉज यू नो डीजे ने अभी तक बहुत सारे फ्यूजन्स ट्राई किए हैं. सो मैंने सोचा कि इस बार कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ हटके किया जाए, बहुत ज्यादा कुछ हटके ट्राई किया जाए. इस बार मैंने राज कपूर साहब का एक सॉन्ग पिक किया, जिसका नाम है मेरा जूता है जापान. क्या बात है. फर्स्ट टेल अस कि हाउ आर यू एंजॉयिंग इट, एंड सेकंडली आई थिंक दिस इज अबाउट बॉलीवुड डांस थीम दैट यू पीपल आर डूइंग. सो टेल अस व्हाट एग्जैक्टली इज द सॉन्ग दैट यू हैव पिक्ड अप फॉर योरसेल्फ एंड कैसे आप धमाल मचाने वाले हो. सो फर्स्टली दिस इज द थर्ड राउंड ऑफ डांसर नंबर वन, एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज फर्स्ट राउंड वॉज बॉलीवुड. And then second round was contemporary, and then the third round now is like this one song from 90s, and someone has some the other contestants have these songs from 60s, 50s, 80s. So I have been given this song from 90s. मेरे गाने का नाम है यूपी वाला ठुमका. तो वो गाना मेरे फेवरेट एक्टर गोविंदा जी का है. मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ गोविंदा जी के एक्सप्रेशंस और उनके स्टाइल का, और बचपन से मैं उन्हीं को फॉलो करता आया हूँ. नाउ गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म ऑन वन ऑफ हिज सॉन्ग्स इन डांस नंबर वन इज अ ग्रेट 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 थिंग. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थीम, बॉलीवुड डांसिंग. जब भी ये थीम आता है, वी थिंक मल्टीपल थिंग्स एंड वी वांट टू लाइक परफॉर्म दिस, वांट टू बी परफॉर्म दैट. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम टू अ कंक्लूजन एंड सेलेक्ट द सॉन्ग, बट व्हाट इज दैट सॉन्ग दैट यू हैव सेलेक्टेड फॉर योरसेल्फ? Actually, I got this song, which is Piya Tu Ab Tu Aaja. It's a medley, basically. Piya Tu and this, ये वाला गाना ही, ये वाला कर ले प्यार कर ले. तो ये दोनों का mixture है इस गाने में. And मैं बहुत खुश हूँ, because मुझे Helen जी के गाने में perform करने मिल रहा है. मैं बहुत nervous थी, और जब मुझे ये track मिला तो, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी और मैंने इसमें इसलिए भी परफॉर्म किया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा. स्पेशली श्री मैम का एक्सप्रेशन मैंने देखा था कि उनको बहुत अच्छा लगा. सो यू मेड इट टू द टॉप 10 एंड राइट नाउ यू आर गोइंग टू बी परफॉर्मिंग अ बॉलीवुड थीम डांस परफॉर्मेंस. सो टेल अस अ बिट अबाउट दैट फर्स्ट. ओके, हमको बताया गया था कि अपने को डांस करना है इस बार बॉलीवुड के गानों में, ऑन डिफरेंट एरा टाइप के साथ. तो मेरे को उन लोगों ने दिया डिस्को.
और ये सुन के मेरा दिल खसक गया, मतलब डिस्को मतलब डिस्को। उसके बाद मैंने गाना सुना, गाना सुन के तो मैं पागल ही हो गया, लाइक नॉट इवन किडिंग, आई एम नॉट इवन किडिंग। ये सॉन्ग दिस आई बीन डांसिंग ऑन दिस नंबर सिंस आई वाज आई डोंट नो 5 6 7 आई डोंट नो, आई डोंट इवन नो, जब से मुझे म्यूजिक याद है मुझे ये गाना याद है, यही वाला गाना। डिस्को इज माई फेवरेट एरा ऑल द टाइम्स, लाइक ब्लेसिंग टू मी कि मुझे ये गाना मिला, नॉट इवन किडिंग। तो ये थे हम लोग मौजूद तारा फिल्म सितारा के सेट पे, जहाँ पे वी हैड अ लवली कॉन्वर्सेशन विद द कंटेस्टेंट्स ऑफ डांसर नंबर 1। इफ यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक तारा फिल्म सितारा, देखते रहिए तारा फिल्म सितारा मंडे टू फ्राइडे 9:30 PM से लेकर 10 बजे तक ओनली ऑन सोनी टीवी।